आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण की बात कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो रासायनिक गुण हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को के रासायनिक गुणों को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो उनमें से जो सबसे पहली कैटेगरी है ओ एच समूह के एच परमाणु की अभिक्रिया है, उसी को हम लोग चर्चा करेंगे। आर सी ओ ओ एच के ओ एच समूह के एच परमाणु की अभिक्रियाएं। आज बच्चों हम लोगों को चर्चा करनी है आर सी डबल ओ एच के ओ एच समूह के एच परमाणु की अभिक्रियाएं। मतलब इसमें हम वो सभी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु पार्टिसिपेट करता है। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब है कि इसकी एसिडिक नेचर की बात करनी है हमें। तो एसिडिक नेचर की बात करनी है, इट मीन्स इसकी रिएक्शन अगर हम बेस से कराएंगे, जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट। तो आओ चलो इसकी भी रिएक्शन हम करा के देखें बेस से। और कौन बेस से? चूंकि ये वीक एसिड होता है तो वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। वीक एसिड की रिएक्शन अगर हम स्ट्रांग बेस से कराते हैं यानी प्रबल क्षार से कराते हैं तो ये रिएक्शन कर लेता है। तो प्रबल क्षारों में हम लोग एन ए ओ एच जानते हैं, के ओ एच जानते हैं। तो अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन एसिड से सॉरी बेस से कराएं, स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस यानी एन ए ओ एच से कराएं, तो हम देखते हैं कि ये आराम से रिएक्शन कर लेता है और करके एस्टर बनाता है। आइए चलिए एन ए ओ एच से हम रिएक्शन देखते हैं। एन ए ओ एच से अभिक्रिया, एन ए ओ एच से अभिक्रिया, एन ए ओ एच से अभिक्रिया। तो देखिए ये रहा आर सी ओ ओ एच, ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल रहा। इसकी अभिक्रिया हम एन ए ओ एच से करा दें, स्ट्रॉन्ग बेस से करानी है हमें। एन ए ओ एच से कराइए या आप चाहो तो के ओ एच से भी करा लीजिए। आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच प्लस के ओ एच से रिएक्शन करा दीजिए। तो होगा क्या बच्चों, होगा ये कि हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एच परमाणु की। तो इसका हाइड्रोजन परमाणु इस ओ एच के साथ में जल बना लेगा। ऐसे इसका हाइड्रोजन परमाणु इस ओ एच के साथ जल का मॉलिक्यूल्स बना लेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आर सी ओ ओ एन ए, यहाँ बन जाएगा आर सी ओ ओ के प्लस H2। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है और आप जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो आपने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि वीक एसिड होता है उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार से कराई। तो प्रबल क्षार से कराने पर आपने देखा कि साल्ट बनता है यानी लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। इसी प्रकार से अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन बच्चों सोडियम कार्बोनेट से कराएं या सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं, तो अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराई जाए या सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाए तो आपको बता दें कि क्या बनेगा, यहाँ पर लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आओ चलिए देखते हैं कैसे होता है बच्चे। देखिए बच्चों आर सी ओ ओ एच इसकी रिएक्शन आप अगर आप करा रहे हो
किससे? सोडियम कार्बोनेट से, यानी N2CO3 से। तो अगर हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में होगा क्या बच्चों? यहाँ पर दो, यहाँ से दो एच जाएंगे और दो एन ए आ जाएंगे, तो दो एच जाने के लिए इसके दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से दो एच जाएंगे और ये दोनों एन ए यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2RCOONA, ये बन जाएगा। और क्या होगा, ये वाले दो एच और एक ओ लेकर H2O बनाएंगे और H2O के साथ साथ यहाँ पर CO2 भी निकल जाएगी, प्लस CO2, ये बन गया। आइए चलिए इसके रिएक्शन हम बाइकार्बोनेट से करा कर देखते। तो R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, प्लस बाइकार्बोनेट से करा दीजिए यानी H CO3 यानी HCO3 से। तो क्या होगा, यहाँ से एक H प्रतिस्थापित होगा यानी यहाँ पर लग जाएगा, तो बन जाएगा RCOO यानी प्लस एक ये H, एक ये H, O को लेकर H2O बना लेगा और प्लस CO2। तो आपने देखा कि हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी H परमाणु की, किसकी रिएक्शन पढ़ी हम लोगों ने RCOOH के OH समूह के H परमाणु के अभिक्रिया, उनमें हम लोगों ने इसकी रिएक्शन NaOH से जब कराई तो NaOH या KOH से, मतलब कोई भी प्रबल क्षार से करा दोगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। वहीं जब हमने इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई तो भी हमें लवण मिला, जल मिला, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही। तो बच्चों ये तो थी OH समूह के H परमाणु की अभिक्रियाएं। अब बच्चों हम लोग सेकंड पढ़ेंगे, कौन सी अभिक्रियाएं? सेकंड हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन, सॉरी सीधे हम पढ़ेंगे OH समूह की अभिक्रियाएं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड OH समूह की अभिक्रियाएं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं OH समूह की अभिक्रियाएं। तो इनमें बच्चों हम लोग वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें क्या होता है, पूरा का पूरा OH, अभी हमने कौन सी पढ़ी, अभी हमने वे अभिक्रियाएं पढ़ी जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु पार्टिसिपेट करता था, लेकिन अब हमें वो अभिक्रियाएं पढ़नी है जिनमें अब पूरा का पूरा OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह भाग लेता है। आओ चलो देखते हैं, सबसे पहले इसके रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन विद PCl5 या PCl3। चलिए रिएक्शन पहले, सबसे पहले हम PCl3 से कराते हैं। देखिए ये RCOOH, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें किससे, PCl3 से करा दें, तो जब PCl3 से कराएंगे तो इसके थ्री मॉलिक्यूल्स लेंगे, और जब थ्री मॉलिक्यूल्स लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, ये 3H और 3O रिएक्ट करेंगे इस पी से, और ये तीनों Cl इससे अटैच हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, 3RCO और ये OH यहाँ चला जाएगा, तो तीनों Cl आ जाएगा, तो Cl प्लस, अब देखो H3O3 और P1 तो मिलकर बनाएंगे H3PO3 बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम PCl5 से रिएक्शन कर लें, सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद PCl5, ध्यान देना RCOOH रिएक्ट विद PCl5, इससे रिएक्शन कराएंगे। जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, RCO से एक Cl अटैच हो जाता है, RCOCl और एक Cl S से अटैच हो जाएगा, बनाएगा SCl,
और ऑक्सीजन एटम इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा POCl, ये बना। और तीसरी रिएक्शन बच्चों हम इसकी पढ़ेंगे SOCl2 से, चलिए RCOOH प्लस SOCl2 इससे रिएक्शन कराएंगे। जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो एक Cl इससे अटैच होकर बनाएगा RCOCl, एल्किल क्लोराइड एसिड क्लोराइड बनाएगा, और एक Cl इससे अटैच होकर HCl बनाएगा प्लस SO2 प्लस SO2। तो इसमें आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH परमाणु सीधा पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? OH परमाणु पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बाद में आप एक और पढ़ सकते हो, इसी में निर्जलन, चौथी रिएक्शन पढ़ सकते हो निर्जलन। निर्जलन निर्जलन में क्या करेंगे बच्चों? RCOOH के दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, RCOOH के दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और इनको हम P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। तो जैसे हीट करेंगे वैसे क्या होगा, इससे जल की ये गुण निकल जाएगी और ये निर्जल होकर RCO ये बना लेगी और प्लस यहाँ से निकल गया जाएगा H2O, ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन गया? ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। हाँ तो बच्चों इनको हम एक साथ कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में हम लोग अगले रिएक्शन की बात करते हैं। अगले रिएक्शन है CO समूह की अभिक्रिया, यानी कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं, CO समूह की अभिक्रियाएं। इसमें बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर मान लो हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कराया, क्या कराया? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, जैसे ये RCOOH है, इसका हमने अपचयन कराया LiCl4 की प्रेजेंस में इसका अपचयन कराया, तो अपचयन कराने पर बच्चों होगा क्या है, यहाँ से H2O निकल जाएगा। अपचयन कराया तो अपचयन कराने पर बन जाएगा RCH2OH प्लस H2O, ये बन जाएगा। तो ये हो गया कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह में हमने देखा कि जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो ये हो गए बच्चों CO समूह की अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं हो गई? CO समूह की अभिक्रियाएं। अब चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH समूह की अभिक्रियाएं। इसमें बच्चों हम लोग वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें पूरा का पूरा क्या होता है, COOH समूह पार्टिसिपेट करता है। इसमें हम लोग सबसे पहले सिमिट अभिक्रिया देखेंगे, जरा सिमिट अभिक्रिया देख लीजिए, सिमिट
अभिक्रिया सिमेट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक अम्ल से करा देते हैं N3H से। तो बनता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर बनेगा RNH2 एमीन बनता है, RNH2 ये बनना है। देखो RN एक N और दो H, RNH2 और प्लस N2 अलग हो जाती है और CO2 अलग हो जाता है। तो यहाँ पर एमीन मिला, क्या मिला, एमीन मिला। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट अभिक्रिया। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को, कहते हैं हम सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया के बाद में आओ चलो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की एक कैल्शियम लवणों की अभिक्रिया देख लें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों की अभिक्रिया, लवणों की अभिक्रिया। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के लवणों की अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण बनाना है, ये चलिए हमने लिया RCOOH, दो मालिक्यूल्स ले लिए, इसकी रिएक्शन हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, यानी बुझे हुए चूने से करा दी। तो बुझे हुए चूने से कराने पर बन जाएगा RCOO का होल ट्वाइस इंटू CA प्लस 2H2O, ये बना। इसको हम लोग कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। क्या कहते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। अब देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण को लिया हमने, जैसे RCOO, RCOO एंड CA, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी के हमने दो मालिक्यूल्स ले लिए। जैसे ये रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड में भी पढ़ चुके हैं और दोबारा से देख रहे हैं इसमें भी। तो देखिए जरा इसका अगर हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बच्चों ध्यान देना, ये इतना पार्ट ये निकल जाएगा CaCO3 और ये बन जाएगा RCOR, बन जाएगा क्या, बन जाएगा 2RCOR प्लस 2CaCO3, ये बन रहा है क्या कीटों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के दो मालिक्यूल्स लेते हैं तो दोनों मालिक्यूल्स लेने पर हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। और अगर अगर हम क्या करें, एक मालिक्यूल्स ले लें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का RCOO, एक मालिक्यूल्स ये लिया और दूसरा मालिक्यूल्स हमने ये ले लिया, इसका हमने शुष्क आसवन करा दिया। तो शुष्क आसवन कराने पर यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक एक मालिक्यूल्स लिया जाए तो कन्फर्म एल्डिहाइड, परंतु एक मालिक्यूल्स लेना बहुत ट्रिपिकल काम है, एक मालिक्यूल्स किसी भी चीज़ का नहीं लिया जा सकता। इसलिए इनके क्या होता है, जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो इनके भी कुछ मालिक्यूल्स होते हैं, इनके भी कुछ मालिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर तीन टाइप के प्रोडक्ट मिलने की संभावना होती है। पहला प्रोडक्ट तब मिलेगा जब ये अपने ही मालिक्यूल से अभिक्रिया कर लेगा, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में लिखा है। तो अगर ये अपने ही मालिक्यूल से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा RCOR। हो सकता है ये अपने ही मालिक्यूल से अभिक्रिया करे, तो जब ये अपने मालिक्यूल से अभिक्रिया करता है तो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। और ये भी प्रॉबिलिटी है कि ये इससे अभिक्रिया करे, तो जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तब मिलेगा जाके आपको एल्डिहाइड RCHO। और इसके साथ में आगे क्या निकल जाएगा,
टू सी ए सी ओ थ्री, ये निकल जाता। इसके बाद में आगे नेक्स्ट रिएक्शन होन्स डीकर के नाम से जानी जाती है, होन्स डीकर के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या करते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट, और उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन या क्लोरीन से कराते हैं। चलिए देखिए, आर सी ओ ओ ए जी, तो ये सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके रिएक्शन अगर मान लीजिए हम ब्रोमीन से करा देते हैं, ब्रोमीन से, तो ये आर ये किससे अटैच होकर आर बी आर बनाएगा, और एक आर ए जी से अटैच होकर ए जी बी आर बनाएगा, और यहाँ से सी ओ टू को रिलीज कर देगा, तो प्लस सी ओ टू। अगर देखिए ये रिएक्शन आराम से होती है। अब अगर हमने मान लो आर सी ओ ए जी की रिएक्शन सी एल टू से कराई, तो रिएक्शन होगी, परंतु यहाँ पर आर सी एल बहुत कम अमाउंट में मिलेगा आपको, आर सी एल बहुत कम अमाउंट में मिलता है, इसीलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए तो करते हैं, परंतु एल्किल क्लोराइड इस रिएक्शन से नहीं बनाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो आर सी एल मिलेगा बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। और देखिए, अगर आपने क्या किया, आर सी ओ ओ ए जी इसके रिएक्शन आई टू से कहीं करा दी, अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मामला क्या गड़बड़ हो जाएगा, अब यहाँ से आपको मिलेगा आर सी ओ ओ आर प्लस टू ए जी आई और प्लस सी ओ टू, यहाँ पे एस्टर मिलता है। देखिए जब आयोडीन से कराते हैं तो यहाँ पर हमको एस्टर मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पर हमको एस्टर मिलता, सॉरी क्या मिलता है बच्चों, एस्टर मिलता है, एस्टर मिलता है। और जबकि इसमें अगर ब्रोमीन या क्लोरीन से कराते हैं तो ब्रोमीन में ब्रोमाइड, क्लोरीन में क्लोराइड, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है इसके लिए कि क्लोराइड हमें अल्प मात्रा में मिलता है। तो बच्चों ये हो गई आपके होन्स डीकर अभिक्रिया। तो हम लोगों ने सी डबल ओ एच समूह की अभिक्रियाएं पढ़ ली। कौन सी पढ़ ली, सी डबल ओ एच समूह की अभिक्रियाएं पढ़ ली। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अब एकदम लास्ट अभिक्रिया हमारी बची है एल्किल समूह की अभिक्रिया, आइए चलिए उसको देखते हैं। तो अब हम लोगों को बिल्कुल लास्ट अभिक्रिया पढ़नी है एल्किल। अब हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल रिएक्शन के बिल्कुल समापन पे है, बिल्कुल अंतिम चरण पर आ चुके हैं, और ये अभिक्रिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं एल्किल समूह की अभिक्रिया, कई बार पूछी गई, तो हम लोग पढ़ेंगे एल्किल समूह की अभिक्रिया, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्किल समूह की अभिक्रिया। एल्किल समूह की अभिक्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट ये है एच वी जेड रिएक्शन, हमें पढ़नी है एच वी जेड अभिक्रिया, ये बहुत मुश्किल आती है एच वी जेड अभिक्रिया। अब आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे सर जी एच वी जेड का फुल फॉर्म तो बता दो, तो बिल्कुल बताएंगे। एच का मतलब है हेल, वी का मतलब वोल हार्ड, जे लेंस की, हेल वोल हार्ड जे लेंस की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब भी हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कोई हाइलोजन एटम से कराते हैं तो उसका हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित होकर हाइलोजन एटम वहां पर अटैच हो जाता है। देखिए जैसे हमने ये लिया आर सी एच टू सी ओ ओ एच, ये लिया हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल,
और इस पर हमने मान लो हैलोजन जैसे क्लोरीन की रिएक्शन कराई, Cl2 की रिएक्शन कराई, तो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों ये आपका हो गया मेन ग्रुप, COOH क्या हो गया मेन ग्रुप, इससे पहले वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन और इससे अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन अटैच होकर हैलोजन यहाँ पर आ जाए, जैसे RCH ऊपर हैलोजन Cl COOH, तो ये हो गया मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि एक Cl आया है इसलिए ये हो गया मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर हम इस पर फिर से पुनः इसी की अभिक्रिया करा दें, जैसे हम फिर से इस पर क्लोरीन की रिएक्शन करा दें, तो बन जाएगा RCl2COOH, ये हो गया डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो बच्चों ये थी आपकी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल रिएक्शंस। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने इस वीडियो में अपने समाप्त कर लिए हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल रिएक्शंस सीखिए और प्रयास कीजिए कि बार बार ये रिएक्शन आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद में कॉपी पे रखो और बार बार ये रिएक्शन आप लोग रिपीट कीजिए। जब बार बार रिपीट करोगे तो दिमाग में ये रिएक्शन जो है वो सारे स्टे कर जाएंगे और जब स्टे कर जाएंगे तो हम लोग पेपर में इसको आराम से लिखेंगे। और अगर आप लोगों ने केवल पढ़ ली, वीडियो देख लिया, उसके बाद में कॉपी पेन पर ये चीज़ें आप लोगों ने दोबारा से रिवाइज नहीं की तो अभी तो आ जाएगा, लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद में एक दो दिन बाद ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो बेहतर तरीका मतलब रिएक्शन को दिमाग में स्टे करने का सबसे अच्छा और सबसे मतलब आसान तरीका यही है कि पहले हम वीडियो देखें, वीडियो में बताए गए सारे रिएक्शन को अच्छे से समझें, दिमाग खोल कर सारे रिएक्शन समझने हैं और समझने के बाद में काम करना है। जैसे वीडियो ख़त्म होता है तो हम एक कॉपी पेन लेंगे और कॉपी पेन लेने के बाद में वीडियो में जो भी बताई गई रिएक्शंस हैं उनको हम लिखेंगे। अगर बाई चांस कोई रिएक्शन हम भूल रहे हैं तो फिर से वीडियो ओपन कर लेंगे और वही रिएक्शन देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद वीडियो बंद करके फिर से पुनः हम वही रिएक्शन लिखेंगे। तो बच्चों मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में जितने आपके सफिशियंट रिएक्शन थे वो सारी सफिशियंट रिएक्शन मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।